रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सबके कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणिकों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है,
जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास की चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात
जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणिक्यों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।